राष्ट्रपतिर अभिभाषण ऊपर आज उत्तर दिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आज सन्ध्या सदन मजियत प्रधानमंत्री मोदी विरोधी आक्रमण लक्ष्य हिसाब से बाचि लय। विरोधी फल बारे बारे बीजेपी क्षेत्र क्या है बीजेपिये ईडी सीबीआई आदि अपव्यवहार कर प्रधानमंत्री मोदी आज सदन मतियत यार प्रत्युत्तर दी पे कय पूर्वर सरकार कार्यकाल ईडी सीबीआई व्यवहार कर हुआ ना सम्पूर्ण बहुवा थी दी और तो सरकार ईडी और सीबीआई व्यवहार करते ईडी और सीबीआई काम कर सूझ दी से और यार फल जथेष काम कर ईडिये कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नोटों के ढेर पकड़े जाते हो और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने तो किस किस के घर में से पकड़े जाते हैं किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनधन अकाउंट आधार मोबाइल उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई और अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहाँ चला जाता इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता बाकी सब कहां चला जाता। आदरणीय अध्यक्ष जी हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था क्यों कम हुआ। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना 10 करोड़ फर्जी नाम बनती है ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है क्योंकि तो रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया गलत हाथों में जाने से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी आज सदन मजियत स्पष्टभावे कय दुर्नीतिग्रस्त राजनीतिविदर विरुद्ध व्यवस्था लई आछे तेओक जिमाने आक्रमण नकरक किय एने धरणर अभियान सदा अब्याहत थाकिबो। सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है पहले तो क्लासरूम में भी
कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को? तुम जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन सा रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य दर्जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे हैं कि जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा।